वेलकम टू श्री कुकिंग अकेडमी। आज हम बनाने वाले हैं पिज्जा की रेसिपी। पिज्जा खाना सबको पसंद होता है और बहुत सारे लोगों को पिज्जा इतना प्रॉपर नहीं आता बनाना, या फिर जो बनाते हैं वो लोग कॉमन पिज्जा बनाते हैं कि मार्गरिटा सॉस लगा दिया, वेजिस रख दिया और पिज्जा रेडी। बट आज हम कुछ अलग रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। आज हम बनाने वाले हैं पनीर टिक्का पिज्जा। जो लोग बारबेक्यू खाना पसंद करते हैं, जिसको स्मोकी फ्लेवर पसंद है, उसके लिए बेस्ट है। तो बारबेक्यू पिज्जा के लिए देख लेते हैं हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है पनीर। यहाँ पे अभी मैं सिर्फ आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो एक पिज्जा की ही है। तो उसके लिए 5 से 6 टुकड़े पनीर के लिए है, 5 से 6 टुकड़े कैप्सिकम, कुछ प्याज के टुकड़े लिए है, कसूरी मेथी ली है, अदरक का पेस्ट, मिर्च का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, नमक और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया है। और बाइंडिंग के लिए यहाँ पे लिया है हंकड़। हंकड़ यानी कि पानी निकल दिया हुआ दही। दही में से पूरा पानी निचोड़ देना है। उसके बाद हमें स्मोकी टेस्ट चाहिए, तो स्मोक देने के लिए एक पीस कोयला लिया है और थोड़ा सा बटर लिया है। इससे हम इसमें स्मोक देने वाले हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ पे मैंने रेडी पिज्जा बेस लिया है। आपकी चॉइस का कोई भी पिज्जा बेस ले सकते हो। और सॉस के लिए यहाँ पे मार्गरिटा सॉस लिया है और तंदूरी मायोनीज लिया है। आपको मार्गरिटा सॉस की रेसिपी हमने ऑलरेडी वीडियो बना के शेयर कर दी है, आप हमारा पेज देख सकते हैं, उसमें आपको ये सॉस घर पे कैसे बनाते हैं वो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले एक बाउल ले लिया है जिसमें मैं थोड़ा सा हंकड़ डाल रही हूँ। हंकड़ यानी कि पानी निचोड़ा हुआ दही। सिर्फ मैं अभी 1 चम्मच जितना ही डाल रही हूँ। उसके बाद उसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीजों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। थोड़ा सा मिर्च का पेस्ट, उसके बाद अदरक का पेस्ट, कसूरी मेथी, नमक और ऑरेंज फूड कलर। हम सबको पता है कि बारबेक्यू में हम जब पनीर टिक्का खाते हैं तो उसका कलर ऑरेंज रेड रहता है, तो वो लुक आने के लिए हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ऑरेंज रेड। आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें डाल देंगे पनीर के टुकड़े। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे पनीर के ऊपर ये दही का कोटिंग हो जाना चाहिए, जिसको बोलते हैं मैरिनेशन प्रोसेस। अब इसको ऐसे मिक्स करके 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने तेल को गर्म करने रख दिया है और दूसरे गैस पे मैंने कोयला भी गर्म करने रख दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हमने जो ये पनीर को मैरिनेट किया था उसको हमें सिर्फ ड्राई करना है, जिसको बोलते हैं ग्रिलिंग प्रोसेस। इसको थोड़ा सा मैं ग्रिल कर लेती हूँ, सिर्फ इसको ड्राई होने तक ही पकाना है। ज्यादा ड्राई नहीं करना है वरना पनीर थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ये सॉफ्ट नहीं रहेगा। इसको ऐसे 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। पनीर हमारा ड्राई हो गया है, गैस को बंद कर देते हैं। इतना ड्राई होने तक ही पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा इसको स्मोकी फ्लेवर दे रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा बटर ले लिया है, जिसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। उसके ऊपर हमने जो कोयला गर्म किया है उसको रखेंगे और इसको ढक के ऐसे ही 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
मेरा पनीर भी अच्छे से स्मोकी हो गया है, ये बाउल को मैं निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पे हम पिज्जा को असेंबल करते हैं, तो सबसे पहले मैं इसमें डालती हूँ मार्गरिटा सॉस और दूसरा डाल देंगे इसमें तंदूरी मायो। दोनों को मिक्स करके लगा देना है पूरे पिज्जा बेस के ऊपर। उसके ऊपर लगा देंगे मोजरेला चीज, जिसको पिज्जा चीज भी बोलते हैं। और थोड़ा सा प्रोसेस चीज भी डाल देंगे। उसके ऊपर हमारे वेजिटेबल, यहाँ पे मैंने कुछ कैप्सिकम के पीसेस ले लिए हैं। कुछ प्याज के टुकड़े, जिसको भी हमने चौरस कट कर लिया है। और ये हमारे पनीर के पीसेस, जिसको हमने ग्रिल भी किया है और स्मोक भी दिया है। यहाँ पे मैंने कुछ ब्लैक ऑलिव्स ले लिए हैं, वो भी रख देती हूँ। और कुछ जलापेनो की स्लाइस है, ये आपको बेकरी में इजीली मिल जाएगा। उसके ऊपर फिर से थोड़ा मोजरेला डाल देंगे। मैंने यहाँ पे पिज्जा ट्रे ली है, अगर आपके पास पिज्जा ट्रे अवेलेबल नहीं है तो ओवन के साथ जो बेकिंग ट्रे आती है उसमें भी आप ये पिज्जा बेक कर सकते हैं। इसको मैं माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ, तो माइक्रोवेव को मैंने 180 पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। माइक्रोवेव हमारा प्रीहीट हो गया है, तो पिज्जा को बेक होने के लिए रख देते हैं। इसको मैं मिडल बेक पे रख रही हूँ, अगेन मैं 8 से 10 मिनट तक इसको बेक करने के रखती हूँ। इसको स्टार्ट करते हैं। तो रेडी है हमारा पनीर टिक्का पिज्जा। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ और थोड़ा ऑरिगैनो। तो आप इसको घर पे बनाइए और आपके रिव्यू हमें शेयर कीजिए।